हमारी पृथ्वी का 30% से भी अधिक भाग घने जंगलों और वनस्पतियों से घिरा हुआ है और इनमें पाए जाते हैं विविध प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे। जीव जगत की इस अनोखी जैव विविधता के मध्य हजारों वर्षों के क्रमिक विकास के द्वारा अपना एक अलग स्थान बनाने में जो प्रजाति अब तक की सबसे सफलतम प्रजाति के रूप में पहचानी जाती है वो है इंसेक्ट। फैक्ट ट्रक्स के इस एपिसोड में आप जानेंगे कीट जगत से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां। मैं हूं गरिमा कौटेकर और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। इस पृथ्वी पर अब तक कीटकों की लगभग 6 से 10 मिलियन प्रजातियां खोजी गई हैं और अब तक के ज्ञात जीवों में 90% से भी अधिक केवल कीटक ही पाए जाते हैं। शारीरिक संरचना की यदि बात करें तो यह पता चलता है कि कीटकों में हड्डियों से बना स्केलेटन नहीं होता और बजाय इसके इनमें नेचुरल पॉलीमर से बना एक बेहद ही मजबूत और लचीला बाह्य खोल होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार ये मुख्यतः 3 भागों वाले शरीर से जो सर थॉरेक्स और पेट होते हैं से मिलकर बने होते हैं जिनमें 3 जोड़ी पैर 1 जोड़ी एंटीना 2 जोड़ी पंख और 1 जोड़ी कंपाउंड आंखें पाई जाती हैं। एक्सोस्केलेटन इन अंगों को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। कीटकों के इस समूह के क्लास को इंसेक्टा कहा जाता है। ये सामान्यतः सभी प्रकार के परिवेश में फलते फूलते हैं और खुद को अपने आसपास के परिवेश के अनुसार ढाल लेने में सक्षम होते हैं। रेगिस्तान हो या फिर महासागर, अपने इसी गजब के एडॉप्टेशन के कारण ही इंसेक्ट्स आज पृथ्वी के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स का हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। फूलों के खिलने की बात करें या फिर खेती की, कीटों के द्वारा किए गए परागण के परिणाम स्वरूप ही खेतों में फूल फलों का रूप ले पाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किए गए मकरंद के कारण ही हमें शहद प्राप्त होता है। जहां एक और हमें कीटों से फायदे होते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ कीट समूह ऐसे भी होते हैं जो अपनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति के लिए कुख्यात माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर टिड्डियों का एक दल पूरी की पूरी फसल को कुछ ही मिनटों में सफाचट कर सकता है। इसके विपरीत कभी कभी इंसेक्ट्स को यूं ही बग कह दिया जाता है जो कि सही नहीं है। बग्स कीटकों का वो क्लासिफिकेशन है जिसके अंतर्गत आने वाले कीटकों के पंख सामान्यतः कड़े होते हैं और उनमें दांतों का अभाव होता है। इस कमी को दूर करने के लिए इनमें एक स्ट्रॉ जैसा अंग होता है जिसे स्टाइलेट कहा जाता है और
इसके द्वारा ये पौधों का रस किसी जूस की तरह पी पाते हैं। कीटकों के इस क्लास को हेमिप्टेरा कहा जाता है। जंगलों के फर्श पर छोटे छोटे गोलों को लुढ़काते डंग बीटल या गुबरेले तो आपने देखे ही होंगे। ये कॉलियोप्टेरा प्रजाति के इंसेक्ट्स होते हैं और अपने प्रतिद्वंदी से स्वतः को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए बड़े से बड़ा गोला बनाने का प्रयास करते हैं। इंसेक्ट्स में भी कई प्रकार की विसंगतियां पाई जाती है। उदाहरण के लिए खूबसूरत लेडी बग, जिसे लेडी बीटल भी कहा जाता है, दरअसल छोटे बीटल्स की ही एक प्रजाति होती है, जो अपने नाम के विपरीत बग नहीं बल्कि इंसेक्ट्स होती है। खैर, जितने नुकसान हमें इंसेक्ट से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा फायदे प्रकृति को इंसेक्ट से होते हैं, और ये प्रकृति के चक्र को नियमित चलाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूँ गरिमा कावठेकर। फिर मिलेंगे फैक्ट क्रक्स के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ, कुछ इसी तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ।